সব থেকে বড় খবর রিপাবলিক করছে এই থেকে বড় খবর রাজ্যে লকডাউন হতে পারে আসছে যে সূত্র পার্ক বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই মুহূর্তের সব থেকে বড় খবর এই মুহূর্তের বিগ ব্রেকিং ব্রেকিং রাজ্যে ফের লকডাউনের সম্ভাবনা असलकुम वरमि वर्क़ अजीज़ा ने गिरामी एक बहुत बड़ी ख़बर ये आ रही है आप अपनी कमर बांध लीजिए क्योंकि हालात बिगड़ने वाले हैं खबर ये आ रही है कि कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि मुल्क के हालात बिगड़ जाएं। मुल्क के अंदर जिस तरह निज़ाम चल रहा था उसके अंदर कुछ बड़ी चेंजिंग आने वाली है एक बिग अपडेट है हम लोगों के लिए खबर यह आ रही है कि चीन के अंदर हालात बत बद से बदतर हो गए हैं कोरोना को लेकर पिछले कोरोना के अहवाल लोगों के जहनों में है उनकी यादें अब तक वो भूले नहीं हैं जो तबाही पिछले कोरोना ने मचाई है और जो नुकसान लोगों को उठाने पड़े हैं और जिस तरह का मंज़र और जिस तरह का मोमेंट बन गया था उस वक्त वो सारी चीज़ें वो सारी बातें अब तक लोगों के जहनों में है लेकिन अब फिर से उसको ताज़ा करने के लिए एक बड़ी ख़बर ये आ रही है कि अब हो सकता है कि मुल्क हिंदुस्तान यानी भारत के अंदर फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाए जी हाँ ये बिल्कुल सच है और बड़ी ख़बर है ये हम लोगों के लिए हो सकता है कि फिर से वही हालात फिर से वही नुकसान उठाने वाला और फिर से वही बेरोज़गारी लोगों को झेलना पड़े इसलिए आप अपने एतबार से तैयारी कर लें हो सकता है कि स्कूल कॉलेज मदारस मकातीब और दीगर जितनी चीज़ें हैं शॉपिंग मॉल ये तमाम चीज़ों के ऊपर पाबंदी लग जाए लोगों को मास्क पहन कर और अपने मुंह छुपा कर घूमना पड़े या अपने घरों में बैठना पड़े ये दिन भी आ सकता है लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है लोग जिस तरह सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और जो वीडियो उनके सामने आ रही हैं और जो एंकर न्यूज़ चैनलों के ज़रिए से लोगों को पैगाम दे रहे हैं और उनको डरा रहे हैं लोग वीडियो देखकर ख़बरें देखकर डर रहे हैं कोरोना ने जितना जितनी तबाही कोरोना ने नहीं मचाई इतनी तबाही न्यूज़ एंकर की खबरों ने मचाई है उनकी खबरों को देख कर उनके हेडलाइन को देख कर लोगों के दिलों में दहशत खौफ बढ़ता चला जा रहा है ऐसे हालात में अपने आप को कैसे बचाना है आज इसके ऊपर हम बात करेंगे किसी ने क्या खूब कहा है कि मास्क पहनना वेंटिलेटर मास्क पहनने से बेहतर है मास्क पहनना वेंटिलेटर मास्क पहनने से बेहतर है घर में रहना आईसीयू में रहने से बेहतर है हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है एहतियात करना इलाज करने से बेहतर है जब ऐसे हालात आ जाएं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है बहुत सारी तबाहियाँ आई बहुत सारे तूफ़ान आए बहुत जल्जला आया और बहुत नुकसान भी हुए लेकिन अगर मैं ये पैगाम आपको पहुँचा रहा हूँ और आप मेरे पैगाम को सुन रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम आज भी ज़िंदा हैं और अल्लाह ने हमें आज भी महफूज़ रखा है तमाम तर बीमारियों से तमाम तर वायरसों से अगर हम अपने रब की इबादत में उतर जाएंगे अपने रब को मनाने पे उतर जाएंगे उसकी यादों में उसके जिक्र और असकार में और आप वसलाम के फरमान के मुताबिक अगर हम अपनी ज़िंदगी को बना लेंगे जिस तरह साहब के राम ने मेहनत करकेबानियाँ देकर अपनी ज़िंदगी को बनाया अगर हम इस तरह बनाने वाले बन जाएँ तो इन शो दिन करीब है जिस दिन हम अपने फ़ायदे देखेंगे जिस दिन हमें अपनी कुरबानियों का फल मिलेगा नतीजा मिलेगा रिज़ल्ट मिलेगा और अल्लाह ताला ने जिस तरह पिछले कोरोना में हमारी हिफाजत फरमाई थी तो इस तरह अल्लाह ताला ऐसी ही हिफाज़त आगे भी फरमाता रहेगा लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को एक पक्का और सच्चा मुसलमान बनाना पड़ेगा जब यह अल्लाह ताला ने कहा कि कैसी भी मुसीबत आ जाए व अन तुम्लौनाकन तुम ममिन अगर तुम मोमिन हो तो तुम सर बुलंद रहोगे चाहे कैसी भी पाबंदी लग जाए चाहे दुकान के अंदर राशन ख़त्म हो जाए तमाम दुकानें बंद हो जाए लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमें रिस्क देता है और देता रहेगा वो कब होगा जब हम अपने आप को अल्लाह के ताबे कर लेंगे मन कल कल्ला जो अल्लाह का हो गया अल्लाह ताला उसके हो जाते हैं इन तमाम ख़बरों को देखकर हमें हमें नाउमीद नहीं होना है ल तकन तुमरहतिल्ला तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो हम अपने आप को तैयार करें और इस वायरस का और इस बीमारी का बढ़ चढ़ कर इसका मुकाबला हम करने की सलाहियत अपने अपने अंदर पैदा करने वाले बन जाएंगे अगर हम पक्के और सच्चे मोमिन बन जाएंगे हाँ कुछ आजमाइश अल्लाह की तरफ़ से आती हैं कुछ मुसीबतें अल्लाह ताला आजमाने के लिए भेजता है लेकिन उसके ऊपर सब्र करना और पिछले हालात को देखते हुए उसके ऊपर शुक्र करना ये अल्लाह को बहुत पसंद है और यही शख्स आगे जाकर कामयाब होता है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाली जो बीमारी है आने वाले जो नुकसान हैं होलनाकी है खतरात है मुसीबत है उन तमाम मुसीबतों से तमाम होलनाकी से आपकी और हमारी और पूरे मुल्क वासियों की हिफाज़त फरमाए